बराकर शहर के हनुमान चढ़ाई स्थित आस्था हॉस्पिटल प्रबंधन और चिकित्सा में गड़बड़ी का आरोप नियामतपुर विष्णु बिहार निवासी राकेश चक्रवर्ती के परिजनों ने लगाया। अस्पताल में इलाज कराने आए राकेश चक्रवर्ती ने कहा कि बीते 15 अप्रैल को इसी अस्पताल में हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाया था, एक महीने से अधिक हो गया लेकिन जख्म भरा नहीं बल्कि उसमें मवाद जमा हो जा रहा है। ड्रेसिंग भी दो बार हो चुकी है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सों ने बताया कि ड्रेसिंग में लापरवाही होने की वजह से मवाद जमा हो रहा है, जिसको लेकर परिजनों ने ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक डॉक्टर जयंत कुमार को फोन नंबर मांगा और समस्या को लेकर बात करने की बात कही तो उन्हें डॉक्टर का नंबर नहीं दिया गया, जिसको लेकर परिजनों ने हंगामा किया। दूसरी ओर एक अन्य मरीज शमसुद्दीन मंडल, जिसकी उम्र 70 वर्ष है, गलसी निवासी ने बताया कि कार्य करने के दौरान मशीन से दुर्घटना होने पर उंगली जख्मी हो गया। हाथ की कोहनी के पास से शरीर का मांस निकलकर सर्जरी 6 महीने पहले की गई लेकिन दिक्कत अभी भी जारी है और घाव सूखा नहीं है। समय पर चिकित्सक के नहीं आने पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। वहीं दर्जन भर से ज़्यादा मरीजों ने चिकित्सकों की देर से आने की बात कही, जिसमें कई गंभीर मरीज भी शामिल थे। बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जा रहा है। আঙুল ড্যামেজ হয়ে গিয়ে তো আমার মেশিন অ্যাক্সিডেন্ট ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার পর তারপর আপনার এসে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করি। উনি বললেন যে অন্য জায়গা থেকে মাংস নিয়ে এটাকে রিকভার করতে হবে, তাছাড়া ভালো হবে না। প্রায় 6 মাস হয়ে গেল এটাকে ওইভাবে করা হয়েছে, কিন্তু এখনও সেই ওষুধ ট্যাবলেট ক্যাপসুল খেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এখনও ফুললি রিকভার হলো না। এটা কতদিন মানে পরে অপারেশন করাতে 6 মহিনা হল। কোন ডাক্তার সে করাতে? आप कहाँ पर रहते हैं? हम तो वर्तमान से आ रहे हैं। अभी तक आपका ठीक नहीं हुआ है? अभी तक ठीक नहीं हुआ। अभी डॉक्टर मिले आपको क्या बोले? डॉक्टर से भेंट नहीं हुआ, अभी नाम से लोग बताए जो अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। इससे पहले जब दिखाए थे तो डॉक्टर वो बोला जी और आने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ठीक हो जाएगा, तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। 1 अप्रैल ना, लगभग 1.5 महीना हो जा रहा है। 1 अप्रैल ठीक करते ऑपरेशन कौन किया था आपका? डॉक्टर जयंत कुमार। अभी क्या प्रॉब्लम हुआ आपका ऑपरेशन का? अभी मैंने ऐसा हो गया, 3-4 बार ड्रेसिंग का किए, उसके बाद लास्ट में डॉक्टर साहब खुद वो ई करके बोला ये यहाँ पर कुछ जम गया है तो वो निकालें, फिर ड्रेसिंग करके फिर और एक बार हम आए ड्रेसिंग करके हमको छोड़ दिए, लोकल ड्रेसिंग करवा लीजिएगा, हाँ दवाई वगैरह जो है खाइएगा। हम घर में ड्रेसिंग वेसिंग करवा रहे थे, 3 बार फिर देखे वो सूजन हो रहा और उसमें से निकल रहा है, तो अब डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए। अल्लाह के हम जब दिखाए तो बोला अंदर थोड़ा जमा हुआ है, तो मवाद मवाद जम जा रहा है। हाँ डॉक्टर साहब अभी भी जमा हुआ है क्यों, तो ख़त्म हो जाना चाहिए अभी। नहीं अभी कल डॉक्टर क्या बोले? क्या आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ है जो ऑपरेशन करने के बाद भी आपका इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है? कुछ नहीं लेकिन वो जम रहा है वहाँ पर, जम रहा है।
नवाज जम कभी इस दौरान आपको डॉक्टर दूसरा डॉक्टर से कंसल्ट किया था क्या? नहीं नहीं फोन करके हम पूछे थे कौन सा दवाई वगैरह खाया तो वहाँ सीखते वहाँ खा सकते पाँच दिन खा सकते। क्या नाम हुआ आपका? राकेश चक्रवर्ती।